यह एना ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र अंतर्गत एना ओपन कास्ट प्रोजेक्ट आरके ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। सॉवेल डंपर कम्बिनेशन के द्वारा यहां ओबी रिमूवल और कोयले का उत्पादन किया जाता है। यह एक अग्नि प्रभावित ओपन कास्ट माइन है। दिनांक 5 नवंबर 2020 के द्वितीय पाली के आरंभ में ही लगभग 2:30 बजे दिन में एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक फेटल इंजुरी एवं 4 सीरियस इंजुरी हो गई थी। उस दुर्घटना का नाट रूपांतरण इस प्रकार है। दिनांक 5/11 2020 की द्वितीय पाली में हाजिरी बनाने के पश्चात स्वर्गीय ननकीदास डंपर ऑपरेटर 4 अन्य साथियों के साथ डंपर कलेक्ट करने हेतु बोलेरो जीप से कॉन्ट्रैक्टर कैंप में जा रहे थे। बोलेरो श्री सिकंदर दास, जो एक डंपर ऑपरेटर था, वही चला रहा था। बोलेरो पर 5 व्यक्ति एक साथी चढ़ते हैं और महज 60-70 मीटर की दूरी पर हॉल रोड के किनारे खड़े एक कैट 100 टनी डंपर को जोरदार टक्कर मारता है। बोलेरो का कुछ भाग डंपर के सामने डंपर के अंदर घुस जाता है, जिससे एक व्यक्ति फैटली इंजोर हो जाता है, जिसका इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तथा 4 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें इलाज हेतु उचित अस्पताल में लाया जाता है। इस दुर्घटना के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। बोलेरो को नॉन रेगुलर ड्राइवर के द्वारा चलाया जाना। हॉल रोड में ही बोलेरो का चलाना। लाइट व्हीकल के लिए अलग से रोड का नहीं होना। बोलेरो चालक के द्वारा मोबाइल फोन का गाड़ी चलाते वक्त उपयोग करना। कैट 100 टनी डंपर का हॉल रोड के बगल में खड़ी करना, जो कि एक पार्किंग का जगह नहीं था। एसओपी ट्रैफिक रूल की जानकारी कर्मचारियों को नहीं होना। ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो अथवा ऐसी दुर्घटना से बचने के उपाय। सभी संबंधित कार्यों का एसओपी या सीओपी को अच्छा से बनाया जाए एवं सभी संबंधित एचईएमओ ऑपरेटर्स एवं अन्य कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए। लाइट व्हीकल के लिए सेपरेट रोड बनाई जाए। संबंधित एचईएमएम ऑपरेटर्स एवं सुपरवाइजर्स को खतरों की जानकारी एवं संबंधित खतरों से होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी समय समय पर दी जानी चाहिए। डंपर एवं सोवेल अथवा अन्य ट्रांसपोर्टिंग मशीन्स से संबंधित चालकों का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सभी एचईएमएम ऑपरेटर्स को सिम्युलेटर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।